मेरे बुज़ुर्ग अपनी कौम व कबीले के साथ मुल्क हिजाज से रख्त सफ़र बांध कर अकबराबाद पहुँचे। वहाँ मेरे दादा फौजदारी गिरद अकबराबाद पर फायज हो गए। उनके छोटे लड़के मेरे वालिद थे, वो दरवेशी इख्तियार करके गोशा नशीन हो गए। वो दिल में इश्क की गर्मी रखते थे, रोज़ और शाम खुदा की याद में रहते थे। मेरे वालिद जब कभी मुझे गोद में उठा लेते और प्यार की नज़रों से मेरा काही रंग देखते तो कहते, अरे मेरी सरमाया जान, ये कैसी आग है जो तेरे दिल में छुपी है, है? आप बैठ मेरे पास बेटा, आ जाओ बैठो। ये कैसी जलन है जो तेरी जान को लगी है, बता मेरे बच्चे। अरे तुम हंस रहे हो, अरे कमाल है, वाह बेटा बेटा, इश्क करो, बेइश्क जिंदगी बबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना और भी कमाल है। दुनिया में जो कुछ भी है सब इश्क का जहूर है, अपनी जात को उसे सौंप दो जिसे तुम दिल में तलाश करते हो, अगरचे हर शय में उसी का जलवा है, सिर्फ उसी का जलवा, उसी का जलवा है, उसी का जलवा। हक या अली, हक अल्लाह, हक। मुझसे मत पूछ ये किन्हें है इश्क, इश्क है इन्हीं को जिन्हें है इश्क। इश्क से रंग जर्द होता है, इश्क से दिल में दर्द होता है, रहते हैं इश्क में मिजगां तर, यहीं देखी हैं आंखें आते भर। अरे हकीम साहब, ये बुखार किस तरह चढ़ गया, कल तक तो भले चंगे थे। दिन भर तो धूप में घूमते रहे, रात से सर में दर्द और बुखार है। ऐसा करते हैं बेटा, इनको ठंडा ही पिलाते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बुखार उतर जाएगा। अरे हकीम साहब, ये बुखार तो मेरी हड्डियों में बैठ गया है, ये तो मेरी जान लेकर रहेगा। मौसम जवानी गया, लज्जत जिंदगानी गया, अब तो बुढ़ापा आ गया है। बाल खिचड़ी, दिल ना उम्मीद, आराइश फकीरी जमाना हो गया। लज्जत कलंदरी के दिन तो हवा हो गए, अब तो वो वक्त है कि बस पलक झपकी और मौत आई। कैसा नख हो अब्बा? अरे मेरे चांद, तुम अब गोद के बच्चे नहीं हो, 10 बरस के हो गए हो, तुम अपना दिल क्यों कुढ़ाते हो? आखिर आखिर दरवेश ज़ादे हो, दिल को तबाह रखो मेरी जान। जाने वाले वापस नहीं आते, हर कोई आमादा है सफर है। हकीम साहब, आप मेरे अब्बा का इलाज करेंगे तो वो ठीक तो हो जाएंगे। अरे मेरी जान, इनके इलाज से अब कुछ नहीं होगा। हाँ मैं सोचता हूँ कि मौत आने तक क्यों ना गिजा को तर्क कर दूं। अच्छा हकीम साहब, आप मेरा एक काम तो ज़रूर करेंगे, आप दरगाह जाएंगे और मेरे लिए कुछ वहाँ से गुलाब की पत्तियाँ लाएंगे, जो वक्त बचा है ज़िंदगी का उसे कभी कभी सूंघ लिया करूँगा। शेर हो गया। लीजिए जरा ठंडाई तो चढ़ा लीजिए। अरे कमबख्त, इस दवा की तासीर तो अव्वल दिन से जाहिर थी, परे हटाइए इसे। मीर तकी बेटा, जरा अपने भाई मोहम्मद हसन को बुला ला, जरा जा बेटा। अरे कुछ नहीं होगा हकीम साहब, इससे सब बेअसर है अब तो। देखिए अभी तक नहीं आया मोहम्मद हसन। या अल्लाह, आओ
हसन, आपने अपनी ये क्या हालत बना ली बाबा। बेटा इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। इस चमन की बहार अब उजड़ने वाली है। खुदा ना करे। अरे तुम्हारा बाप फकीर है, उसका कुल असासा ये चंद किताबें हैं, इन्हें हिस्सा बिरादराना समझकर बांट लो। बाबा ये मुझे अपनी पढ़ाई में काम आएंगी, और ये तो इनके वरक नोच नोच कर पतंग बनाएगा या फिर नाव समझकर पानी में बहा देगा। अगर आप बेहतर समझें तो मेरे पास अमानत रख दें। ठीक है, रख लो, ले जाओ ये किताबें, लेकिन मेरी आंखें बंद होने के बाद अपने भाई को सौतेला समझकर इसे कोई नुकसान न पहुंचाना। बस जब दरवेश ने आंखें मूंद ली तो आलम मेरी आंखों में तारीख हो गया। मेरे बड़े भाई ने इंसानियत को बालाए ताक रख कर तोता चश्मी अख्तियार कर ली। जब वतन में कोई चारा ना बना तो मैं दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। आगे किसू के क्या करें, दस्ते तमा दराज, वो हाथ सो गया है सरहाने धरे धरे। दिल्ली में ख्वाजा मोहम्मद बासित ने, जो अमीरुल उमरा शमसामुद्दौला के भतीजे थे, मेरे हाल पे इनायत की और मुझे नवाब के सामने ले गए। ये लड़का किसका है? मीर मोहम्मद अली मुत्तकी का। इसके यहाँ आने से जाहिर है कि वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा उनकी रूह को मगफिरत दे। अब इनके सर पर हुजूर ही का हाथ है। शेख मरहूम के मुझ पर बहुत हुकूक हैं, एक रुपया रोज मेरी सरकार से इस लड़के को दे दिया जाए। छः साल तक की, जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर चढ़ाई की और नवाब मस्कूर पेश जंगी के सबब मारे गए, वो रोज़ीना मुझे मिलता रहा। इसी से नान और नमक खा कर गुजारा करता था। इसके बाद फिर संग दिल जमाने ने मुझे सताया। मीर तकी, जल्दी से खा ले, तेरे भाई को पता चल गया तो फजीदा खड़ा कर देंगे। क्या कहूँ अर्ज देखने की आह, दिल जिगर से गुजर गई वो निगाह। चुप के मुंह उनका देख रहता मैं, जी में क्या क्या ये कुछ न कहता मैं। यानी मीर एक खस्ता गम था, सर तापा अंदोह अलम था, आंख लड़ी उसकी एक जागे, बेखुद हो गई जान आगे, सीना फिगारी सामने आई, बेताबी ने ताकत पाई। हाय इससे खुदा जुदा न करे, दूर इससे जीऊँ खुदा न करे, पर्दे में भी जो कुछ कहा जावे आपसे तो टुक न रहा जावे। आहो फुगां है उसके लब पर, रोज़ नई
एक आफत सब पर दश्त लग गई आबला पाई, दूर खींची उसकी रुसवाई। ला हौल वला कुव्वत, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? सारी दुनिया में मेरा मुंह काला करने पर तुली हो? क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है? क्या सुना आपने? ये खत तुमने ही भेजा था? कमीने, मेरे मामू की लड़की से आंख लड़ाते हुए शर्म नहीं आती? बस सात कमबख्त नीच। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। ये अब आगरे में नहीं रहेगा, वरना इसकी आदतें और बिगड़ेंगी। आज ही इस कमबख्त को दिल्ली रवाना कर देता हूँ, मामू जान के पास। वहां रहकर कमबख्त कम से कम इंसान तो बन सकेगा। इश्क बायस हुआ वतन छूटे, मुर पकड़े गए चमन छूटे। चला अकबर आबाद से जिस घड़ी, दरो बाम पर चश्मे हसरत पड़ी। बस अज़ कता लाए दिल्ली में बख्त, बहुत खेचे यहाँ मैंने आज़ार सख्त। नाचार दोबारा दिल्ली पहुँचा। आदाब है सर। और कैसे हो? ठीक। आपका सामान? ये सामान, चलिए वो सब आ जाएगा। आइए तशरीफ लाइए। और अपने सौतेले भाई के मामू सिराजुद्दीन अली खां आरजू के एहसानात का भारी बोझ उठाया, यानी कुछ मुद्दत उनके साथ रहा और चंद किताबें पढ़ी। और इस काबिल हो गया कि किसी का मुखातिबे सही बन सकूं, मगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। जो आंख उसकी बीनी से जाकर लड़े, दमे तेग पर राह चलनी पड़े। शराब की सी है। ये नुमाइश शराब की सी है। हाँ, ये नुमाइश शराब की सी। सुभान अल्लाह। आदाब मामू जान। आजा आदाब।
ये तो फितना रोजगार है। बजात की तरबियत अब आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसे घर से क्यों नहीं निकाल देते। माफ कर दो इस बेचारे को, कहाँ जाएगा? भाड़ में जाए, मेरा उससे क्या। उन्हीं दिनों जमाने की नासाजगारी से तंग आकर मैंने मामू की हमसायगी तर्क कर दी, ये सोचकर कि वो मुझे हल्की नज़र से देखेंगे। मैं फ़खरुद्दीन की बीवी के यहाँ चला गया, जो मेरे वालिद की मुरीद थी और करीबी रिश्ता भी था। मेरा उखड़ा हुआ दिल और भी कुढ़ने लगा, वहशत पैदा हुई और मैं पागल हो गया। ऐ दोस्त, कोई मुझसा रुसवा न हुआ होगा, किया बंद एक कोठरी में मुझे, कि आतिश जुनू की मगर वहाँ बुझे। ना आवे कोई डर से मेरे कने, कि क्या जानिए कैसी सोहबत बने। फखरुद्दीन खां की बीवी ने मेरे इलाज में बहुत पैसा खर्च किया। निकल, बाहर निकल, इस लौंडे को छोड़ दे चुड़ैल, निकल, बाहर निकल। जा चली जा, चली जा, नहीं तो मुझे जाना ही होगा। क्या बिगाड़ा है इस लौंडे ने तेरा। निकल, बाहर निकल, निकल, बाहर निकल। जिस हुजरे में रहता था उसका दरवाज़ा बंद कर लेता और इस हुजूम गम में तन्हा बैठ जाता, और जब चाँद निकलता था गोया क़यामत सर पे आती थी। चांदनी रात में एक पैकर खूबसूरत मेरी तरफ बढ़ता और मुझे बेखुद कर देता। जो मैं हाँ डालूं वहाँ कुछ नहीं, बजुज शक्ल वहमी आया कुछ नहीं। जब सफ़ेदाए सहर नमुदार होता तो वो जले दिल से ठंडी आह भरती और चांद की तरफ वापस हो जाती। तबीबों को आखिर दिखाया मुझे, न पीना जो कुछ था पिलाया मुझे। तबीबों की तदबीर से आखिर फ़ायदा हुआ, खरीफ का मौसम आया और बहार रुखसत हुई तो जुनून बिगड़ गया। क्या आया कभू फिर नज़र इस तरह, न देखा उसे जलवगर इस तरह। ख्याल उसका आवे सुन हो रहूं,
तले सर के पत्थर रखूं सो रहूं, मुझे आपको यूं ही खोते गई जवानी तमाम अपनी सोते गई। न देखा कबो मीर फिर वो जमाल, वो सोहबत थी गोया की ख्वाबो ख्याल। फिर कुछ मुद्दत के बाद मैंने सख्त मेहनत की, आधा बजा लाता हूँ भाई, आइए मीर साहब तशरीफ लाइए, और अपनी मशक इतनी कर ली कि शहर के शायरों में मुस्तनद समझा जाने लगा। जीते जी को चाहे दिलदार से जाया न गया, उसकी दीवार का सर से मेरे साया न गया। भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब। खाक तक कूचाए दिलदार की छानी हमने, खाक तक कूचाए दिलदार की छानी हमने, जुस्तजू की पा दिले गुम शुदा पाया न गया। जी में आता है कि कुछ और भी मौजू कीजिए, दर्द दिल एक गजल में तो सुनाया न गया। बहुत जीते जी को चाहे दिलदार का जाया न गया, उसकी दीवार का सर से मेरे साया न गया। जीते जी को चाहे इजाजत हो तो एक गजल और पेश करना चाहूंगा। जरूर जरूर, हस्ती अपनी हुबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की सी है। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती
शराब की सी है। बहुत बहुत ये नुमाइश शराब किसी है। वाह 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 व